बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कुछ बाश होंगे और सेहतमंद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वीडियो में मैं आपके लिए 14 अगस्त के हवाले से दो बेबी फ्रॉक की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूं। अगर आप लोग इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियोज़ भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके उसकी सर्च कर सकते हैं इन फ्रॉक्स की वीडियोज़ की कि मैंने इनको कैसे स्टिच किया है। और जिन लोगों ने सिर्फ डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ लेने के लिए ये वीडियो ओपन की है तो मैं उनको दिखाती हूँ कि ये मैंने डिज़ाइन कैसे बनाए हैं और इनमें क्या है। ये देखें, ये वाइट प्रिंट फैब्रिक है और इसकी जो बॉडी की डिज़ाइनिंग है वो मैंने कुछ इस तरीके से की है। ये मेरे पास लैस थी, ये प्योर मिरर वर्क नहीं है, ये सिर्फ इसमें एक पेपर लगाया यूज़ किया हुआ है, ये सिर्फ वैसी है। ये देखें, ये इजीली स्टिच भी हो जाती है। ये मैंने लैस यूज़ की है और इसके फ्रंट पर सिर्फ मैंने ये ग्रीन कलर की प्लेकेट लगाई है। इन दोनों तरफ लैस लगाने के बाद जो एक तरफ मैंने इसकी स्टिच किया था, एक तरफ से मैंने इसको स्टिच किया था और दूसरी तरफ से अभी नहीं किया था। मैंने ये ट्रायंगल बनाकर पहले उनको दिया है और फिर इसके ऊपर मैंने इसको स्टिच किया था। ठीक है, आप चाहें तो इसको मतलब कि डबल लगा सकते हैं या इसके ऊपर कुछ और बना के लगाना चाहें तो आप वो बना के लगा सकते हैं। आजकल काफ़ी कटवर्क चल रहा है तो आप कटवर्क भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के फ्रॉक के हिसाब से मुझे इजी लगा ये कि मैं ये ट्रायंगल लगा दूँ, तो मैंने ये ट्रायंगल यूज़ किए थे। और इन दोनों तरफ मैंने ये लैस यूज़ की थी। और बाजू की बात करें तो आम होते भी मैंने ये लैस लगाने के बाद ये मैंने फ्रिल रेडी की थी और इसका हाफ करने के बाद मैंने इन दोनों को बराबर करके यहाँ पे लगा दिया था। ये देखें, यहाँ मैंने फ्रिल लगाई है दोनों तरफ और इसकी बॉडी के एंड पे जब मैंने ये चुनट अटैच किए थे तो उसके बाद मैंने यहाँ पर भी लैस इसके लगा दी थी। गले पर सिर्फ मैंने सिंपल पाइपिंग की है, सीधी तरफ उल्टी तरफ लगाने के बाद इसको सीधी तरफ फोल्ड करके लगा दिया था। और बैक पे आ जाएं तो फिर मैंने सिर्फ ये सिंपल बटन टेक रखा है और काज करवाने के बाद दो बटन लगा दिए मैंने, वो भी फ्लैट यूज़ किए हैं। बटन बैक साइड पे अगर बटन टेक रखते हैं आप तो फ्लैट ही यूज़ किया करें ताकि बच्चों के लेटते हुए उनको तंग ना करें। ये बटन अक्सर बच्चों के चुभने लग जाते हैं अगर हम वो मोटे तरह के बटन लगा दें तो। ठीक है, ये बैक साइड सिर्फ सिंपल है और इसके ये नीचे दामन पर मैंने इसको थोड़ा सा प्यारा और अच्छा करने के लिए मैंने ये कटवर्क ट्रायंगल्स लगाए हैं। आजकल काफ़ी चल रही है ये डिज़ाइनिंग तो इसलिए मैंने ये यूज़ की है। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, ये एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे लैस लगाई है। आप खुद बना के किसी भी तरीके से किसी भी कलर में फैब्रिक में आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आ जाए। ये देखें, ये मैंने दोनों तरफ इसको यूज़ किया है। पहले सीधी साइड पे रख के मैंने ट्रायंगल की लाइन लगा ली थी और स्टिच कर लिया था उसको, और फिर मैंने ये अलग-अलग से फैब्रिक रख के उल्टी साइड को फोल्ड कर दिया था जिसकी वजह से ये दोनों तरफ से नीट आ गया है। ये देखें, ये फुल लुक है इसकी। यहाँ पे आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं या टसल्स लगाना चाहें तो टसल्स भी लगा सकते हैं। 14 अगस्त के हवाले से और स्पेशली समर सीज़न है, गर्मियाँ हैं, तो ये हल्का फुल्का सा फ्रॉक मैंने बच्ची के लिए डिज़ाइन किया है। आई होप आपको पसंद आए। फिर इस फ्रॉक को स्टिच करने के बाद मेरे पास कुछ कपड़ा बच गया था और लेफ़्ट ओवर फैब्रिक में से मैंने ये छोटा सा बेबी फ्रॉक बनाया है। आप न्यू बोर्न कह लें या बिल्कुल छोटे से बच्चे के लिए जो अब जिसका भी समर सीज़न स्टार्ट ही हुआ है उनके लिए, ये देखें, उसके लिए भी मैंने ये छोटा सा बेबी फ्रॉक डिज़ाइन किया है। इसमें से कपड़ा जो मेरे पास बच गया था, ग्रीन कलर का फैब्रिक मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा था, इसकी मैंने बॉडी बनाई और डिज़ाइनिंग के लिए जो कपड़ा मैंने यूज़ किया उसमें से ये बाकी जो वाइट कलर का कपड़ा था उसकी मैंने ये बॉडी फ्रिल नीचे लगाई है, चुनट डालने हैं उसके। और ये बॉडी ग्रीन कलर की बनाने के बाद छोटा सा प्लेकेट मैंने बना दिया और सेम उसी तरीके से मैंने जो लैस का टुकड़ा मेरे पास बच गया था वही मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। सेंटर में दो छोटे छोटे से बटन लगा दिए हैं और ये मेरे पास शोल्डर की कटिंग थी। ठीक है, जो शोल्डर मैंने कटिंग किया था बड़े फ्रॉक का उसमें से जो कटिंग बच जाती है, तो मैंने दो कटिंग को रख के उसको थोड़ा सा ऐसे मैंने शेप दे दिया था जैसे एक जैकेट की शेप आ जाए इसके ऊपर, तो मैंने उसको यूज़ किया था। और उसी में से फिर मैंने ये प्लेकेट भी बनाई थी। ठीक है, और एक पीस में से चार पीस होते हैं, दो पीस मैंने इधर यूज़ कर लिए, दो पीस में से मैंने ये ट्रायंगल बना दिए और ये प्लेकेट बना ली। तो इतना सा फैब्रिक बचा था तो उसी हिसाब से मैंने ये छोटा सा फ्रॉक डिज़ाइन कर दिया। और गले पे भी मैंने सिर्फ सिंपल पाइपिंग यूज़ किया है जैसे मैंने बड़े फ्रॉक के ऊपर लगाई थी। बैक साइड पे एक छोटा सा बटन टेक रख के मैंने एक बटन लगा दिया
और इसके बाजू के ऊपर भी मैंने ऐसे ही फ्रिल यूज़ की है, ये देखें छोटी सी, हल्का फुल्का सा गर्मियों के लिए बच्ची के लिए ये फ्रॉक रेडी हो गया है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और अगर उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा, और इनकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि मैंने इनको कैसे रेडी किया है, छोटे फ्रॉक की और बड़े फ्रॉक दोनों की आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।